छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तरीय चुनाव के मद्देनजर राज्य में सभी राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जमकर प्रचार प्रसार की शुरुआत की जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी गारंटी 2023 धमाका भी लॉन्च कर दिया है। इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी से मनेन्द्रगढ़ विधायक प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा आज पत्रकारों के समक्ष प्रेस वार्ता करते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें जनहितैषी मुद्दों का निराकरण करने के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं व क्षेत्रीय विकासशील प्रगति की बात कही गई एवं अपने संकल्प पत्र में 31 महत्वपूर्ण बातों के उल्लेख के संदर्भ में पूर्ण रूप से पूरा करने के वचन की बात कही। एमसीबी से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोगों के इस चुनाव की जो मन में एक उत्सुकता रही घोषणा पत्र का, उसको पूरा करते हुए किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान एवं युवाओं पर पूरा ध्यान लगाते हुए अमित शाह की धमाका और मोदी गारंटी 2023 लॉन्च किया है। सरकार बनते ही 25 दिसंबर को किसानों के 2 साल का बकाया बोनस को पूरा पाई पाई चुकता किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशावर ठाकरे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च करते हुए बड़े राजनीतिक धमाके किए हैं। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी। मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक भूमिहार मजदूरों को 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को 2 गुना करते हुए प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे। राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे एवं सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएससी की तरह यूपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता होगा। राज्य में हुए पीएससी घोटाले की भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जांच कराएगी। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या बहुत है, उसको देखते हुए उद्यम क्रांति योजना लाई जा रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी किसी भी उद्योग में लगाने के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट में भी कैपिटल रीजन की स्थापना रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, जिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित करके संतुलित विकास करेंगे। इनोवेशन हब के क्षेत्र में नया रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल कार्ड की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा।